अस्सलामुअलैकुम, तैनुम का जायका में आप सभी का खुशामदीद। तो आज मैं आ गई हूँ आपके साथ नई रेसिपी लेके। तो आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन, मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन। इसके लिए मैंने ली हूँ 3 कप शक्कर, आप देख सकते हैं 3 कप शक्कर, 3 कप मिल्क पाउडर। जितना मिल्क पाउडर रहेगा उतनी क्वांटिटी शक्कर की रहेगी, और जो मिल्क पाउडर है मेरा वो थोड़ा मीठा है। 1/2 कप मैदा, 1 कप दूध, इलायची पाउडर 2 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर 1/2 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर है, और घी मैंने ली हूँ 4 टेबल स्पून। मैंने शक्कर और मैदे का मेजरमेंट ये कप से ली हूँ, आप जो भी कप से लेते हैं आप उसी से सारा मेजरमेंट लीजिए, मतलब एक ही कप से सारा मेजरमेंट लीजिए शक्कर और मिल्क पाउडर का, तभी हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ले ली यहाँ पर एक पैन गुलाब जामुन का बैटर बनाने के लिए। पहले हम पैन में सारी चीजें मिला लेंगे, गैस में हम बाद में पकाएंगे। तो इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले दूध, जो 1 कप दूध ली थी मैं वो डाल दूंगी। फिर इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर को थोड़ा थोड़ा डालना है और मिलाते हुए रहना है। मिल्क पाउडर आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, अमूल का या नेस्ले का भी आता है। हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए रहेंगे और मिलाते हुए रहेंगे ताकि इसमें जरा भी गुठली ना आए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह सब मिल्क पाउडर दूध में मिल चुका है। आप दूध भी नॉर्मल दूध लेना है आपको, अभी बहुत रूखा रूखा सा है। अब इसमें ऑयलिंग करने के लिए इसमें हम डालेंगे घी। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल ले लीजिए। जितनी घी की क्वांटिटी मैंने ली थी 4 टेबल स्पून, तो आप ऑयल 3 टेबल स्पून ही डालिए। सबको अच्छे से मिला लेंगे, इतनी थोड़ी सी चिकनाहट आ गई है, थोड़ा थोड़ा मैं पूरा घी डाल रही हूँ। सारी चीजें अच्छे से मिल गई है, तभी मैं इसको गैस पे रख दूंगी पकने के लिए। मैंने गैस पे रख दी हूँ पैन को, गैस की फ्लेम को स्लो रखना है, हमें स्लो फ्लेम पे ही इसको भूनना है। स्लो फ्लेम पे धीमे धीमे भूनेंगे और इसमें जरा भी गुठली नहीं आनी चाहिए। आप इस तरीके से गुलाब जामुन बनाएंगे, आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छे और परफेक्ट बनेंगे। बस आप मेजरमेंट एकदम परफेक्ट रखिए, एक ही कप से मेजरमेंट लीजिए सारी चीजों का। भूनते हुए 10 मिनट हो चुका है, माशाल्लाह अच्छे से दूध तैयार हो गया है। आप कभी गुलाब जामुन बना रहे हैं तो आप अच्छा बर्तन लीजिए ताकि उसमें आपका बैटर चिपके ना जरा भी। कढ़ाई में भूनिए या फिर कोई साफ बर्तन में भूनिए ताकि ये जरा भी चिपके ना डो। ये बैटर एकदम अच्छे से तैयार हो गया है गुलाब जामुन का, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। तो गुलाब जामुन के बैटर को मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। इसको मैं ढक के रख दूंगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, एकदम ज्यादा हमने वो ठंडा नहीं करना है,
इसे थोड़ा सा ठंडा करना है। तो इसको हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं ऐसे, जब तक हम दूसरी तरफ चाशनी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने गैस पर रख दी एक पतीली, हमें थोड़ा बड़े पतीली लेना है ताकि जो हम गुलाब जामुन डाले चाशनी में, तो हमारे गुलाब जामुन एकदम अच्छे से फूले फूले बने। मैंने 3 कप शक्कर ली थी, तो 2 कप हम पानी डाल देंगे। पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर इसमें हम शक्कर डाल देंगे। पानी गर्म हो गया है थोड़ा सा, अभी हम इसमें शक्कर को डाल देंगे। शक्कर को मेल्ट कर लेंगे। माशाल्लाह शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो अभी हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। आप देखते हैं मैं इलायची पाउडर पीस के रखती हूँ, शक्कर और इलायची पाउडर को थोड़ा सा पीस लेने का। तो ये पिसा हुआ नहीं बोल सकते, थोड़ा सा दरदरा मैंने पीस के रखी थी, आप देख सकते हैं। तभी हम चाशनी को चेक कर लेंगे। हमें चाशनी से थोड़ी सी चिटचिटी चाहिए, मतलब जरा शहद होता है थोड़ा सा रहना चाहिए, इसमें तार जरा भी नहीं रहना चाहिए, हमें तार नहीं बनाना है, सिर्फ शक्कर मेल्ट हो जाए और थोड़ी सी चिपचिपी सी रहे, जैसा जैसा सेहत रहता है ना वैसा। तो हमारी चाशनी माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो गई है। तो अभी मैं गैस को कर दूंगी बंद। तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी 1 नींबू की स्लाइस, ताकि हमारी चाशनी जरा भी ऐसा जमे ना, साइड साइड में आ जाता है ऐसा, वैसा बिल्कुल बिना है। तभी हम इसको रख देंगे दूसरे साइड में और अभी हम बनाएंगे गुलाब जामुन के बॉल। तभी हम बैटर को खोल के देखते हैं गुलाब जामुन को, थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तभी हम इसमें डालेंगे मैदा, ये मैंने 1/2 कप मैदा ली थी। अगर आप गुलाब जामुन कम बना रहे हैं तो आप क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिए सारी चीजों की। अभी भी ये हल्का हल्का गर्म है, पर हमें एकदम ठंडा नहीं करना है, थोड़ा गर्म होना चाहिए। और मैंने इसको ढककर इसलिए रखी है ताकि इसके ऊपर ऐसे पपड़ी जैसा ना आ जाए और सूखा सूखा ना हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, हमें बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना है। तो 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह गुलाब जामुन का डो तैयार हो गया है। अगर आपको मिलाने के टाइम लगे कि आपका डो थोड़ा गीला है तो आप इसमें बिल्कुल भी दूध ना डालिए, आप थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून मैदा बढ़ा दीजिए, क्योंकि जब वो ठंडा होता है वो अपने आप टाइट होगा। आपको ऐसा लगे कि थोड़ा बैटर गीला है तब उसको मिला दीजिए, क्योंकि जब बैटर ठंडा होगा तो अपने आप टाइट होता स्टार्ट हो जाएगा, वरना क्या होगा आप उसमें दूध डालेंगे फिर वो गीला होगा, फिर उसमें मैदा डालेंगे फिर टाइट होगा फिर दूध डालेंगे। इसलिए आप जैसा बना रहे वैसे ही बनाइए, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, जितना मैंने क्वांटिटी बताई हो वही क्वांटिटी के हिसाब से बनाना है। तभी हम बॉल्स बनाना शुरू करेंगे। हम गुलाब जामुन के बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं हाथ में लगा लूँगी घी, या आप ऑयल भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा काट करेंगे इसका, माशाल्लाह बहुत अच्छा डो बना है। तो हमें जो साइज के गुलाब जामुन बनाने हैं मैं उसको कट कर लूंगी। अभी हम बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इतने अच्छे से बॉल्स तैयार हो गए हैं, इसमें जरा भी क्रैक नहीं है और एकदम परफेक्ट से गुलाब जामुन के बॉल तैयार हो गए।
ऐसे ही करके हम फटाफट सारे बना लेंगे। अगर हाथ में लगे आपको कि आपके बैटर चपक रहा है तो आप घी लगा लीजिए या ऑयल भी लगा सकते हैं। ऐसे करके फटाफट सारे गुलाब जामुन बना लेंगे। मैंने एक तरफ तेल भी रख दी हूँ गर्म होने के लिए। अगर आप मावे वाले गुलाब जामुन बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि मावा आप बाहर से लेके आते हैं तो मावे की क्वालिटी कभी अच्छी होती है कभी अच्छी नहीं होती, तो हमारे गुलाब जामुन कभी कभार फूट जाते हैं, इतने अच्छे नहीं बनते हैं। तो आप इस तरीके से बनाइए, इंशाल्लाह आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे और सबको बहुत पसंद आएंगे। तो मैं फटाफट सारे गुलाब जामुन बना लेती हूँ, अब तक तेल भी गर्म हो रहा है। मैंने सारे गुलाब जामुन की बॉल्स तैयार कर ली हूँ। कम से कम 30 से 25 गुलाब जामुन आपके बन जाएंगे इसमें और सस्ते में बन जाते। तभी हम दूसरी तरफ चेक करते कि हमारा तेल गर्म हो गया या नहीं। तेल को चेक करने के लिए एक मैं छोटा सा टुकड़ा डाल रही हूँ इसमें। आप देख सकते हैं बबल्स आना शुरू हो गए, तो हमें इतना ही गर्म तेल चाहिए, ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए। अगर गुलाब जामुन ज़्यादा तेल ज़्यादा गर्म रहेगा तो आपका ऊपर से तो हो जाएगा पर अंदर से इतने अच्छे से नहीं पकेंगे गुलाब जामुन। तो आपको नॉर्मल ऐसे तेल में डालते हुए बबल्स आना शुरू हो जाए, समझो आपका तेल परफेक्ट है गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए। तभी मैं गुलाब जामुन डालना शुरू करती हूँ। आपको तेल को हिलाते हुए रहना है ऐसे ऐसे करके, और कढ़ाई में इतना तेल लीजिए कि ताकि आपके गुलाब जामुन अच्छे से डूब जाए उसमें। आप एक बार में जितने गुलाब जामुन चाहे उतने फ्राई कर लीजिए। मैंने गुलाब जामुन के बॉल्स नॉर्मल साइज के बनाई हूँ, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे। तेल की फ्लेम गैस की फ्लेम को आपको मीडियम रखना है। मैं एक बार में 10 गुलाब जामुन फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो आप कितने भी कर सकते, 3, 4, 5। एक बार में 10 गुलाब जामुन को फ्राई कर रही हूँ। तेल को हिलाते हुए रहना है। माशाल्लाह आप देख सकते हो कितने अच्छे से गुलाब जामुन फ्राई हो रहे हैं। ऐसे ऐसे करके आपको हिलाते हुए रहना है ताकि गुलाब जामुन हर तरफ से फ्राई हो जाए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं गुलाब जामुन, थोड़ी सी साइज में बड़ी भी हो गई है। तभी हम इसको ऐसे फ्राई होने देंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मुझे इतना ही कलर चाहिए, आप चाहे तो थोड़ा और डार्क भी कर सकते हैं पर मुझे इतना ही डार्क कलर चाहिए। तभी मैं गुलाब जामुन को ऐसे ही चाशनी में डाल दूंगी। या आप इससे लाइट भी फ्राई कर सकते हैं। और मैंने गुलाब जामुन को चाशनी में डाल दी, आप देख सकते हैं मैंने इसलिए बड़ा बर्तन ली थी ताकि गुलाब जामुन एक के ऊपर एक ना रहे। और अभी हम ये नींबू को जो डाले थे वो निकाल लेंगे। तो मैंने गैस की फ्लेम को चालू कर दी हूँ। आप नॉर्मल गुलाब जामुन बनाते हैं तो आप उसे नहीं पका सकते, तो मैं इसको मीडियम फ्लेम पे करके हल्की हल्की से पका रही हूँ ताकि हमारी गुलाब जामुन जल्दी तैयार हो जाए। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मार के गैस को चालू कर दी हूँ। तभी हम दूसरी तरफ दूसरे गुलाब जामुन फ्राई कर लेते हैं फटाफट। मैंने दूसरे भी गुलाब जामुन को डाल दी हूँ फ्राई होने के लिए। आप एक साथ ज़्यादा गुलाब जामुन ना मत डालिए फ्राई होने के लिए, वरना आपको चलाने में बहुत प्रॉब्लम होगी और गुलाब जामुन सारे फूट जाएंगे। तो आप एक बार में सिर्फ 10 से 12 गुलाब जामुन फ्राई कीजिए। तब ये गुलाब जामुन फ्राई हो जाएंगे तो मैं उसमें फिर से डाल दूंगी गुलाब जामुन को। माशाल्लाह हमारे सारे गुलाब जामुन अच्छे से रेडी हो गए, तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हो साइज में भी काफ़ी अच्छे बड़े हैं, तो मैंने नॉर्मल साइज ही बनाई थी। अभी ये थोड़ी देर में और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। गुलाब जामुन तो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए, आपको बहुत मज़े की लगेगी रेसिपी। आप कोई भी फेस्टिवल में बना सकते हैं गुलाब जामुन,
और कम पैसों में अच्छे खासे ढेर सारे गुलाब जामुन बन जाएंगे और मार्केट के जैसा टेस्ट। तो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो के रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगी ऊपर, तरनुम का जायका। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।